जय माता दी। दोस्तों आज हम आए हैं अपने खेत में, तो आज हम यहाँ करेंगे भिंडी की खेती, तो आपको दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये हैं मिर्च के पौधे जो कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे लगाए थे और साइज इनका काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये देखिए, ये है शिमला मिर्च। तो अभी आज हम उगाएंगे भिंडी, तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे, और चलिए बाद में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक और नई फसल से रूबरू कराते हैं। तो ये देखिए, ये है अरबी, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गंढियाली कहते हैं। और ये जो इसके पत्ते आप देख रहे हैं, इनके पत्रोड़ू बनते हैं, जो भी एक बहुत ही शानदार सब्ज़ी है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम आपको पत्रोड़ू बना के भी दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने मक्की की खेती भी कर ली है, और कुछ ही दिनों में इसकी निंदाई भी हम करेंगे, और फिर हम इसमें खाद डालेंगे, जिससे इसको बढ़िया न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और ये अच्छी ग्रो करेगी। फिर हम भुट्टा खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। कुछ दिन पहले प्याज की फसल को हमने निकाला था, तो कुछ एक प्याज रह गया था, और ये देखिए अब ये जाके निकल रहा है। तो देखते हैं और कितने निकलेंगे, चलिए। तो दोस्तों भिंडी को उगाने के लिए पहले हमें खेत में खुरपी से रेख लगानी पड़ेगी, थोड़ी गहरी, फिर हम उसमें बीज डालेंगे और उसके बाद उसको कवर कर देंगे और फिर पानी छिड़केंगे। फिर दोस्तों ये देखिए हैं भिंडी के बीज, और हम इसे यहाँ लगाएंगे। दोस्तों बीज हमने लगा दिए हैं, तो अब उनको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो भिंडी नहीं लगेगी। दोस्तों देखिए, ये हम निकाल रहे हैं चड़ा, तो ये निकालते हैं हम बारिश के पानी को एक डायरेक्शन देने के लिए, नहीं तो बारिश का पानी खेतों में आ जाता है और फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए चड़ा बनाना पड़ता है। गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।